नशेड़ी युवकों ने समुदाय विशेष पर किया चाकू रोड और डंडे से जानलेवा हमला। 3 घायल मौके पर पहुंच भारी पुलिस बल। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के आयुर्वेद कॉलेज के सामने हुई घटना। गन्ना तोड़ने की बात पर हुआ विवाद, आरोपी की तलाश में लगी पुलिस। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के आयुर्वेद कॉलेज के सामने बीती रात एक परिवार पर सरहंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि आरोपी ने लाठी, रॉड व चाकू से हमला किया। घटना में घायल एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के संबंध में घायल युवक क्या कहना है कि आरोपी युवक घर के समीप बैठकर नशाखोरी कर रहे थे, इसी दौरान उनके घर में गन्ना तोड़ने लगना करने पर आरोपी ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आयुर्वेद कॉलेज के सामने रहने वाले बसोर बस्ती के युवकों ने उन पर जानलेवा हमला किया है, जिनकी जानकारी लगने पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मारपीट की इस घटना में एक ही परिवार के मोहम्मद शरीफ, इरशाद अहमद और मोहम्मद कौसीन गंभीर रूप से घायल हो गए। चाकू लगने के कारण मोहम्मद शरीफ की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे जिला चिकित्सालय ने संजय गांधी अस्पताल रेफर किया है। मेरा नाम मोहम्मद शारिक खान है। ये हमारे घर पर पथराव किया गया है। गन्ने के पेड़ तोड़ने के पीछे विवाद हुआ। नशे में रहे लड़के 20-25, वो सब घर में पथराव किए। वो वहीं पे हमारे घर के आगे एक बस्ती है टीसी, तो वहीं पे सब रहते हैं। ये लाठी डंडा, उनके पास चाकू सब था। ये अच्छा चाकू से मारे हैं तो पूरा फट गया है, सर में भी मारे हैं। हम लोग 3 लोगों को बहुत ज़्यादा चोट आई है, बाकी जो 2-4 लोगों को लगा है बस लाठी डंडे से मारे हैं तो उनका नहीं हुआ, बाकी हम लोग 3 को ज़्यादा चोट आई है। एक जो हमारे मामा का लड़का है इरशाद, उसको बहुत ज़्यादा चोट आई, उसका बाया पैर पूरा खराब हो गया, उसको संजय गांधी ले गए हैं। मोहम्मद शारिक खान। आपका नाम क्या है?